साथियों, इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे जो हिंदी के जो व्यंजन अक्षर हैं उनका मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो इस प्रैक्टिस में जब मैं बोलूँगा और उसके बाद लिखूँगा, इस बीच में आप कोशिश कीजिए कि आप पहले लिख लें, तो क्या होगा, आपका जो नॉलेज है व्यंजन के बारे में वो खुद को चेक कर पाएंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए पहले मैं लिखना शुरू करता हूँ। ख, अच्छा पहले मैं शुरू से लिखना शुरू करता हूँ जिससे सबको आइडिया हो जाए। क, ख, थोड़ा मैं डिले करूँगा। ग, घ, अंग, ये जो मैं डिले कर रहा हूँ ये आप कोशिश कीजिए कि उस बीच में आप पहले लिख लीजिए, ठीक है, ताकि आप मेरे लिखने के बाद मिल मैच करा सकें। ठीक है, चे, छे, जे, झे, सॉरी ये गलती हुआ, झ, इ, ट, ठ, ड, ढ, हण, त, थ, द, ध, न, प, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, मूर्धनि से, छोटा से, ह, छ, छ, ये वाला भी साथ में लिख दे रहा हूँ, त्र, ज्ञा, ठीक है, और एक ठो वर्ड है श्रेय, उसको भी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैं सीरियल से लिखा हूँ। आप इसको प्रैक्टिस करने के लिए एक प्लेन कागज़ लीजिए, फिर से ये लिखिए, ये जब तक लिखिए जब तक आप ये पूरा सीरियल से लिख नहीं लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले आप अगर सीरियल वाइज लिख लेंगे तो आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। उसके बाद मैं अभी जो जिग जैग कर रहा हूँ आप उसको जिग जैग में लिखिए, ठीक है, लेकिन इसके पहले आप प्रैक्टिस कर लें सफ़ेद कागज़ पर, ठीक है, और इसको देख करके पढ़ने का भी कोशिश करें। जैसे अगर मैं कहूँ ये क्या है, ढ, आप बोलेंगे, यहाँ पर हाथ रखिएगा ऑटोमेटिक और अपने बोलिएगा द, फ, भ, ज, क, अंग, थ, प, र, ल, बड़ा श, छ, ख, यानी इस तरह हाथ रखिए। अगर कोई हेल्प करने के लिए गार्जियन भी है तो उनको ऐसे हाथ रखिए और उसको बोलिए पढ़ने के लिए, तब क्या होगा, लिखना और पढ़ना यानी फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों जब एक्शन क्लियर हो जाएगा तो ये टोटल व्यंजन की जानकारी हो जाएगी। चलिए अब मैं थोड़ा जिग जैग में लिख के दिखा रहा हूँ। ग, ठ, ख, घ,
छ ढ ठ, दो बार हो गया, कोई बात नहीं, त ध क ब प मूर्धन्य स ह त्र ड फ ल म ट ग छ ष ज्ञ च। तो इस तरह आप जिग जग में लिखने के बाद में इसको पढ़िए, जिग जग में इसे ऐसे सीरियल से पढ़िए, ग ठ ख घ छ ढ ठ त ध क ब प मूर्धन्य ष ह त्र ड फ ल म ट ग छ स यानी छोटा सा ज्ञ च। इस तरह से जिग जग में पढ़िए भी। और दो अक्षरों को मैं आपको नहीं बताया, वो है अतिरिक्त व्यंजन, जैसे हुआ ड के नीचे बिंदी रखते हैं तो होता है ड, और ढ के नीचे बिंदी रखते हैं तो होता है ढ। ठीक है साथियों, तो इस तरह से आप ये प्रैक्टिस कर लीजिए जिग जग। फिर जैसे आप क ख ऊपर से लिखा होता है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, हाँ, तो जैसे ये कुछ मैं जो व्यंजन का यहाँ तस्वीर लाया हूँ जस्ट दिखाने के लिए, आप इसको ऐसे भी प्रैक्टिस करें वर्टिकल, इस तरह से, जैसे मैं एक बता रहा हूँ, आप लिखिए हॉरिजॉन्टल लिखिए बट वर्टिकल की तरह से, क च ट, ठीक है ना, त प, उसके बाद है य मूर्धन्य ष स्र। ठीक है, रुकिए इसको थोड़ा सा मैं ठीक कर दूँ 100% पर, एक मिनट। ठीक है, तो ये मैं आपको वर्टिकल में यहाँ पर दिखाया, जैसे ऊपर चला गया, कोई इशू नहीं है। तो इसी तरह से आप ये ख को भी प्रैक्टिस कीजिए वर्टिकल, ख छ ठ थ फ र छोटा सा ज्ञ। ठीक है ना। अच्छा, आप कैसे जानेंगे कि आपका जो हिंदी के जो व्यंजन है, अक्षर हैं, उसके बारे में आपको जानकारी हो गई? बहुत ही सिंपल है तरीका चेक करने का। ठीक है, ये अगर आप ज़रूर करें, मैं बता रहा हूँ, अगर ये नहीं कंफर्म किए फिर आगे हिंदी का जो मेरा वीडियो है उसे देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसमें आप पूरा कंफर्म होना चाहिए। वो क्या तरीका है, जस्ट आप मान लीजिए यहाँ पर मैं ऐसे हाथ रखा तो आप बता दीजिए ये ठ है, फिर यहाँ जैसे हाथ रख रहा हूँ आप बोलने की कोशिश कीजिए ढ ज च घ ध, आप भी बोलिए, पहले हमसे बोलिए त फ भ ब श म अण क ख छ च प ब ह श ज्ञ मूर्धन्य ष व। इस तरह से आप खुद रख करके जिग जग करके आप बोलने की कोशिश कीजिए। उसके बाद जैसे मैं यहाँ पर पढ़ने की कोशिश किया, उस तरह आप लिखने की कोशिश कीजिए। कैसे, जैसे मान लिया कोई अगर आपका हेल्प करने वाला है तो बोलिए हमको जिग जग में बोले एक वर्ड, जैसे बोला ठ, आप बिना देखे यूँ प्लेन पेपर पर ठ ऐसे लिख दीजिए,
बोला लिखा, कोई बोला भय लिखिए, तो फट से आप ऐसे लिख दीजिए। कोई बोला मैं लिखिए, आप ऐसे यूं से लिख दीजिए। अगर ये आपका 100% हो जाता है ठीक, तब समझ लीजिए आपका हिंदी का जो व्यंजन के बारे में जो जानकारी है कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। अब मैं इसके बाद स्वर का मैं प्रैक्टिस का वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। इस वीडियो को अगर बार बार आप रिपीट करें तो भी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि ठीक है मैं वीडियो से प्रैक्टिस करूँ, तो जितना मैं प्रोसेस किया उसको आप एक बार फिर से रिपीट कीजिए, ये क्लियर आइडिया हो जाएगा, ठीक है ना।